शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के नए वाले सीएम की, जो कि आज शपथ लेने वाले हैं। शाम 5 बजे का वक्त रखा गया है। आपको बड़ी जानकारी इस वक्त की दे देते हैं, क्योंकि कल ही नाम का ऐलान हो गया था। जिस तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे और उसके बाद विधायक दल की मीटिंग हुई, और उसके बाद यह ऐलान कर दिया गया कि पुष्कर सिंह धामी को अब नया सीएम बनाया जा रहा है। ताजा जानकारी आपको दे रहे हैं कि आज पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें, शाम 5 बजे राजभवन में होगा शपथ ग्रहण कार्यक्रम, और आपको तमाम तस्वीर भी हम आज दिखाएंगे, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी को राज्यपाल शपथ दिलवाती हुई नजर आएंगी। क्योंकि उत्तराखंड का सीएम बनने पर पुष्कर सिंह धामी का परिवार बेहद खुश नजर आ रहा है, और वो लोग भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि युवाओं के बीच खासा दबदबा पुष्कर सिंह धामी की तरफ से बनाया गया था, और युवा काफी खुश उत्तराखंड के अंदर नजर आ रहे हैं। 2022 के अंदर चुनाव होने हैं, और उन चुनावों से पहले जिस तरीके का बदलाव हम उत्तराखंड के अंदर देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आगे की तस्वीर को बदल हुआ नजर आएगा। और किस तरीके से बीजेपी अपने आप को दोबारा से सत्ता पर काबिज कर पाएगी, ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि सभी पार्टियों की तैयारी है। और बीजेपी ने एक बार फिर से चेहरा बदल दिया है, अपना दांव खेल दिया है, और जो जाके सटीक बैठेगा या फिर नहीं, ये भी खैर वक्त बता पाएगा। फिलहाल जानकारी आपको दे रहे हैं और आपको सुनवाते हैं, क्योंकि सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज की तरफ से ही बातचीत की गई है नए वाले सीएम से, यानी पुष्कर सिंह धामी से, वो आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ हैं। इनको आज जिम्मेदारी मिली है, सीमांत क्षेत्र से आते हैं, दो बार से विधायक हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय से शुरू हुआ छात्र राजनीति का सफर आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जैसे एक गरिमामय जिम्मेदारी पे आ करके पहुंच गया है। धामी जी ऐसे समय पे इनको जिम्मेदारी मिली है जब 2022 का विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब है, पार्टी ने बहुत सारी अपेक्षाएं धामी जी से की है। तो हम बात करेंगे धामी जी से कि जो पार्टी की अपेक्षाएं हैं, जो चुनौतियां हैं 2022 की, कैसे उस पर विजय पाएंगे। धामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, नई जिम्मेदारी आपको मिली है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की, और पार्टी के साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता का एक बड़ा जो अपेक्षा होगी वो आपसे सब रखते हैं, तो क्या देखते हैं, सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके माध्यम से आपके सभी चैनल को देखने वाले लोगों का सबका मैं धन्यवाद कि मेरे जैसे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए एक सैनिक के पुत्र को, एक सिपाही के बेटे को मेरी पार्टी ने उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में उत्तराखंड की जनता की सेवा करने का अवसर दिया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का, और राष्ट्रीय नेतृत्व का, और पूरे प्रदेश के सभी नेतृत्व सहित कार्यकर्ताओं का, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और ये भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, और मेरी माँ ने मुझे ऐसे समय में एक काम के लिए चुना है, एक काम दिया है, तो मेरे को जब भी जो भी काम मेरी पार्टी ने, मेरी माँ ने दिया है, उसको मैंने हमेशा प्राणोप्रण से पूरा करने का प्रयास किया है। अब पार्टी ने जो काम मुझे दिया है, मैं कोशिश करूँगा कि उत्तराखंड की जनता की हर संभव जो सेवा हो सकती है वो सेवा करूं, और साथ ही मैं हमेशा ये कहता हूं और कहता रहूंगा कि ये सरकार नहीं, हमारी सरकार आज उत्तराखंड के अंदर नौजवानों के बीच में, बेरोजगारों के बीच में, सीमांत क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच में, जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए हैं, उनके बीच में सरकार के रूप में नहीं, उनके साथ उनके साझेदार के रूप में काम करेगी। धामी जी समय बहुत कम है, 6-7 महीने में विधानसभा चुनाव का महाभारत शुरू हो जाएगा, और आपके कंधे पे एक बड़ी जिम्मेदारी है। चुनावी चुनौतियां तो अपनी जगह है ही, पार्टी में भी कुछ गुटबाजी, कुछ पसंद नापसंद, नाखुशी, इस तरह की चीजें हैं। संगठन में भी आपने काम किया है, छात्र जीवन से आपने काम किया है, तो ऐसी चुनौतियों से निपटने की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, मैं छात्र जीवन से ही एक संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय से मैंने पढ़ाई की है, और वहीं पर छात्र राजनीति में भी मैं काम करता था, उसके बाद उत्तराखंड के अंदर नौजवान युवाओं के बीच में काम करता था। दो बार मेरी पार्टी ने मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मौका दिया था, उस दौरान हमने नौजवानों के बीच में, युवाओं के बीच में लगातार काम किया, और मैं पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष भी था, अभी हूँ, और बहुत सारे
कार्यक्रम इस दौरान हमने नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए किए हैं। और संगठन में चूंकि शुरू से काम करने के कारण जो हमने सीखा है कि राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का पालन करते हुए हमारे जितने सीनियर लोग हैं, बड़े हैं, क्योंकि हमारा बड़ा परिवार है और सब लोग यहाँ पर मतभेद हो सकते हैं लोगों के, लेकिन मतभेद हमारे यहाँ कहीं नहीं है। सब लोग मिलजुल कर हम लोग भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। सभी लोगों को साथ में लेकर, जो मेरे सीनियर हैं, जो मेरे से काबिल हैं, मैं छोटा हूँ, मैं उनसे उम्र में, आयु में छोटा हूँ, अनुभव में भी छोटा हूँ, उन सबका मुझे जो आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि छोटा होने के नाते सभी लोग छोटे को हमेशा स्नेह करते हैं। एक अंतिम सवाल है, सैन्य पृष्ठभूमि से आप आते हैं धामी जी, और सीमांत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, तो सीमांत क्षेत्र के लिए क्या कुछ विशेष योजनाएं? नहीं, सीमांत क्षेत्र के लिए देखिए, भारत सरकार के हमारे BADP के प्रोग्राम चलते हैं, और पहले से भी सीमांत क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री BADP योजना चलती है, उसी योजना को और कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जो हमारा जो पड़ोसी देश है नेपाल, उसके साथ हमारे रोटी बेटी के संबंध रहे हैं, और मैं स्वयं पिथौरागढ़ में पैदा हुआ हूँ, वह भी नेपाल बॉर्डर के नज़दीक है, और जो मेरी कर्मस्थली है खटीमा, जहाँ से मैं विधायक हूँ, वह क्षेत्र भी नेपाल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारी कोशिश होगी कि जो हमारे रिश्ते हैं, नाते हैं, उनसे उसको और प्रगाढ़ किया जाए, उसको मजबूत किया जाए, और जो कहीं कोई कमी है तो उसको दूर किया जाए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और इन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताई, और यही नहीं, उन्होंने बताया कि नेपाल के साथ उत्तराखंड का किस तरह से नैसर्गिक रिश्ता है, और उसको भी वो मजबूत करने का काम करेंगे। कैमरा सहयोगी संची शर्मा के साथ, JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। तो आपने सुना जिस तरीके से बातचीत की गई, बहुत कुछ कहा गया है नए CM की तरफ से। फिलहाल ब्यूरो चीफ उत्तराखंड इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं धीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धीरेंद्र, क्या तस्वीर अब आप उत्तराखंड के अंदर देखते हैं? क्योंकि एक छोटा सा सवाल मेरा यही रहेगा कि चेहरे का बदलाव और कितना फायदा BJP को होने जा रहा है 2022 के अंदर, धीरेंद्र? बिल्कुल हर्ष, देखिए, यह जो बदलाव BJP ने किया है, निश्चित रूप से इसके इस बदलाव के पीछे BJP को 2022 का चुनावी लड़ जीतने का जो लक्ष्य है उसे हासिल करना है। और जिस तरह से बेहद कम उम्र के, यानी 45 साल की उम्र के एक व्यक्ति को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है, कुमाऊं रीजन से ये BJP के दूसरे मुख्यमंत्री होंगे। आपको बता दें कि 2000 में जब उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, गठन हुआ और अंतरिम सरकार बनी, नित्यानंद स्वामी एक साल सवा साल रहे, और उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद BJP ने कुमाऊं को कोई अवसर नहीं दिया था, तो इसको लेकर के एक कहीं अंदर में एक अंदर खाए एक गहरा आक्रोश भी कुमाऊं के गढ़वाल रीजन से। BJP ने अब तक कुल 6 मुख्यमंत्री बनाए हैं, जिसमें से 4 मुख्यमंत्री अकेले गढ़वाल रीजन से थे, तो ये दूसरे मुख्यमंत्री है जिन्हें कुमाऊं से बनाया गया है। तो इसलिए उन्होंने इस एक चेहरे के साथ ही जातीय और क्षेत्रीय दोनों समीकरण साध लिया, मैदान और पहाड़ दोनों को साधने का कोशिश किया है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो पुष्कर सिंह धामी, जिनका एक जो ट्रैक रिकॉर्ड देखे, उनका बैकग्राउंड देखे, सैन्य पृष्ठभूमि से आते हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी से जिन्होंने राजनीति का सफर शुरू किया था, लगातार संघर्ष करने वाले व्यक्ति रहे हैं। युवाओं के लिए इनके मन में काफी बल्कि इनके पीछे जो चलने वाली भीड़ थी वो युवाओं की थी। युवाओं के निर्विवाद नेता रहे, 2 बार भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश प्रभार प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इस तरह से देखें, ये जो चेहरा बदला है BJP ने, निश्चित रूप से 2022 के चुनावी रण में उसको किसी भी तरह से अपनी नैया पार करनी है और सत्ता में दोबारा वापसी करनी है। और उसे पूरी उम्मीद है, उनके रणनीतिकारों को पूरी उम्मीद है कि BJP जो है सत्ता में वापसी कर लेगी पुष्कर सिंह धामी के चलते। ठीक है धीरेंद्र, लेकिन जो समीकरण साधने की कोशिश कहीं ना कहीं BJP की तरफ से की गई है, अब हम देख रहे हैं कि चेहरे का कहीं ना कहीं बदलाव कर दिया गया है, तो जो नाराजगी त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए थी, जो नाराजगी तीरथ सिंह रावत के लिए थी, अब क्या वो धामी साहब जब आ गए हैं तो वो नाराजगी क्या दूर हो पाएगी जो पहले नाराजगी लोगों की बनी हुई थी? धीरेंद्र, शायद धीरेंद्र को आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम कोशिश करेंगे धीरेंद्र से दोबारा जुड़ने की। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि कैसे स्थिति उत्तराखंड के अंदर होगी, क्यों तो 2022 के अंदर चुनाव होने हैं, और चुनाव से पहले चेहरे का बदलाव बहुत
बखूबी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के मायने बीजेपी की तरफ से होंगे, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जब चुनाव होने हैं उससे पहले कुछ ही समय पहले चेहरे में बदलाव कर देना कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि कोई भी चूक बीजेपी नहीं करना चाहती है। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस कल्चर अपनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। एक बार फिर धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी हर साहब की आवाज आ रही है। धीरेन्द्र, मेरा सवाल ये है कि जो सभी समीकरण को फिट बैठाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से कर दी गई है, अब आपको क्या दिखता है? क्योंकि हम देख रहे थे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर लोगों में खासा नाराजगी थी, उसके बाद जब नए नवेले मुख्यमंत्री साहब को लाया गया तीरथ सिंह रावत को, और उनके बयानात भी कुछ ऐसे आए कि कहीं ना कहीं गहमा गहमी का माहौल उत्तराखंड के अंदर हुआ, और ये कहा जा रहा था कि लोग उनसे भी कहीं ना कहीं नाराज हैं, तो अब जो भरपाई है, जो लोगों की नाराजगी है, वो कुछ ही महीनों के अंदर दूर हो पाएगी जिस तरीके से पूरे समीकरणों को फिट बैठाया गया है बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल हर्ष, देखिए पुष्कर सिंह धामी के सामने दोनों उदाहरण हैं, तीरथ सिंह रावत का और त्रिवेंद्र सिंह रावत का। त्रिवेंद्र सिंह रावत अल्पभाषी थे, लेकिन इसके साथ ही साथ उनका जो व्यवहार था थोड़ा रूखा व्यवहार था, वो आम जनता से कनेक्ट नहीं कर पाते थे, कार्यकर्ताओं से कम्युनिकेशन नहीं स्थापित कर पाते थे, तो ये सारी चीजें जो है उनके लिए बेहद नेगेटिव नकारात्मक रही और उनको 4 साल में हटना पड़ा अपने पद से। तीरथ सिंह रावत के साथ ये चीजें नहीं थी, वो कम्युनिकेशन स्किल में अच्छे थे, पारंगत थे, कार्यकर्ताओं से डायलॉग स्थापित कर लेते थे, लेकिन उनके साथ दिक्कत ये थी वो बड़बोले थे, वो कभी भी बयान कुछ भी दे देते थे जिसको जिसके पीछे का जो निहितार्थ होता था उसकी वजह से पार्टी को बहुत बार शर्मिंदा भी होना पड़ता था और मैसेज गलत जाता था। इन सब चीजों को देखते हुए पार्टी ने शायद पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया, जो युवा भी है और युवाओं के बीच उनको काम करने का अनुभव है, पार्टी के कैडर से आते हैं, लगातार एबीवीपी संघ के नजदीक रहे हैं और 2 बार से विधायक हैं, तो और उनके पास बड़बोले नहीं है, सबसे बड़ी बात है ये बड़बोले नहीं है, 2 बार के विधायक हैं, लगातार 20-25 साल से राजनीति में सक्रिय है, लेकिन इनका कोई बयान आज तक हमने विवादित नहीं सुना, तो इस तरह से कह सकते हैं कि इनके सामने एक उदाहरण है कि न तो ज्यादा बड़बोला बनना है, न तो ज्यादा भाषी बनना है, जो भी बोलना है जो भी करना है संतुलन बिठा के करना है, और आपने अभी हमारे टिकटॉक में सुना भी कि किस तरह से उन्होंने कहा कि वो छोटे हैं, अनुभव कम है, लेकिन सारे लोगों को साथ लेकर के चलेंगे, जो सीनियर है उनके अनुभव को तरजीह देंगे, तवज्जो देंगे, इसके साथ ही जो युवा है उनके विचारों को भी अपने कार्य क्षेत्र में शामिल करेंगे, अपनी योजनाओं में शामिल करेंगे, तो इससे निश्चित रूप से हम देख सकते हैं इनके इस बातचीत से कि उनका जो विजन है वो स्पष्ट है, क्लियर है कि उन्हें क्या करना है, किस तरह से करना है और किसके साथ करना है। प्रधानमंत्री मोदी के उस नारे का भी उन्होंने जिक्र किया, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो कह सकते हैं कि आने वाले 5-6 महीने चुनौतीपूर्ण हैं, चुनौती भरे हैं, लेकिन पुष्कर सिंह धामी शायद इस चुनौती से पार पाने में सफल होंगे, जो कि वो अच्छे संघनिष्ठ व्यक्ति हैं, तमाम चीजों को समझते हैं, राजनीति की जो व्यवहारिक चीजें हैं उसको समझते हैं और सिद्धांत को भी तवज्जो देते हैं, क्योंकि लगातार वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, तो निश्चित रूप से संघ और संगठन को मिला करके चलने वाले मुख्यमंत्री साबित होंगे और आने वाले समय में शायद पार्टी की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। चलिए, ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा कि खरा उतरा जाएगा या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल बीजेपी की चर्चा हम कर रहे हैं क्योंकि अब नया चेहरा सामने आ चुका है और आज सीएम साहब शपथ ग्रहण भी कर लेंगे, जब जनता के बीच जाने की कोशिश की जाएगी और कहीं ना कहीं बताने की भी कोशिश की जाएगी कि उत्तराखंड में बदलाव बीजेपी कर रही है और आगे आने वाले समय में भी करेगी। फिलहाल